हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लीजिए दोस्तों, आज मैं आपको जड़ी बूटियों का जौहर बनाने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, जड़ी बूटियों का जौहर कैसे निकलता है, जिसको खार बोलते हैं, यानी जिसको जड़ी बूटी का आम भाषा में नमक बोलते हैं। जड़ी बूटियों का नमक कैसे निकलता है, जो दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, जो फौरी असर दिखाता है। अगर कोई जड़ी बूटी मतलब दिनों में असर दिखाती तो ये घंटों में असर दिखाता है। इसकी ये ख़ास बात है, जो इसका जड़ी बूटियों का जो नमक निकाल के इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत जल्द असर दिखाता है। तो ये मैं नमक निकाल रहा था, ये लगभग 40 जड़ी बूटियों के आसपास है और इसका वज़न भी 20 किलो से ज़्यादा वज़न होगा। कोई 1 किलो, कोई आधा किलो, कोई 1.5 किलो, इस तरीके से कोई 250 ग्राम, कोई 1 किलो, मतलब इस तरीके से जो है कम ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं। 40 के आसपास जड़ी बूटियाँ हैं और लगभग 20 किलो के आसपास इसका वज़न है। तो इसको मैं जला रहा हूँ, जलाने के बाद फिर इसकी राख बन जाएगी और राख जो है ना वो सफ़ेद बनानी है, मैं काली राख नहीं चलेगी। सफ़ेद बनाने का तरीका ये है कि इसको खुली हवा में इसको जलाना पड़ता है और हवा अगर कम हो तो फिर फ़ैन लगाना पड़ता है, पंखा वगैरह। जैसे मैं दिखाऊँ आपको, ये मैंने पंखा लगाया हुआ है ताकि इसकी जो है अच्छे से हवा इसको मिल सके, क्योंकि जितनी इसको हवा मिलेगी हवा से फिर सफ़ेद वाइट जो है सफ़ेद राख बनेगी। जितनी सफ़ेद राख होगी उतना ही मतलब उम्दा नमक निकलेगा, बढ़िया निकलेगा, अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। ये तरीका है। तो दोस्तों, ये क्या फ़ायदा है, क्या क्या इसका इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं फिर कभी बताऊँगा। आज मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि जड़ी बूटियों का जौहर कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका निकालने का तरीका यह है, जैसे कि आपने 1 किलो जड़ी बूटी ले ली, मिसाल के तौर पे आपने त्रिफले का या ब्राह्मी का, आप ब्राह्मी के ऊपर ले लीजिए। जैसे कि आपने ब्राह्मी का जौहर निकालना है, ब्राह्मी जो होती है, ब्राह्मी बड़ी लाजवाब उम्दा जड़ी बूटी है, तो इसका अगर आपने जौहर निकालना है, 1 किलो ब्राह्मी आपने ले ली, 1 किलो ब्राह्मी को आपने ले करके सुखा लेना है। 6 में सुखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना धूप में सुखा लें, क्योंकि 6 में सुखाने से उसके जो गुण हैं वो बरकरार रहते हैं, लेकिन धूप में सुखाने थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, 1 किलो ब्राह्मी ले ली है, मैं आप किसी भी जड़ी बूटी का नमक निकालेंगे उसका पंचांग लेना। आपने ध्यान रखना है, किसी भी जड़ी बूटी का आप जौहर निकालेंगे या नमक निकालेंगे तो उसका पंचांग आपने लेना है। और पंचांग ले करके आपने, जैसे ब्राह्मी आपने लिया, ब्राह्मी को जला करके, 1 किलो आपने ब्राह्मी लिया, 1 किलो ब्राह्मी को आपने जला लेना है। जलाने के बाद उसको खुली हवा में जलाना है ताकि उसकी जो है ना सफ़ेद राख बने। देखिए, ये जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल सफ़ेद है, ये बिल्कुल सफ़ेद है। ठीक है, तो सफ़ेद राख बन जाए। उसके बाद जितनी राख बनेगी, मिसाल के तौर पे आपके 1 किलो ब्राह्मी के अंदर से आपको 100 ग्राम राख निकली है, 100 ग्राम राख को आपने क्या करना है, 4 से 6 गुना पानी में। ठीक है दोस्तों, यानी आपके पास 1 किलो ब्राह्मी के अंदर से 100 ग्राम राख निकली है। ठीक है, 100 ग्राम राख निकलने के बाद आपने 100 ग्राम राख में 4 से 6 गुना 8 गुना भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 6 गुना पानी डाला है, 6 गुना यानी 600 ग्राम पानी बैठेगा आपका। 100 ग्राम राख को 6 गुना पानी यानी 600 ग्राम पानी में आपने भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने 3 से 5 दिन तक, आपने कम से कम 3 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन तक आपने इसको भिगो कर रखना है। और रोज़ आपने सुबह शाम आपने किसी डंडी से उसको पानी को हलाते रहना है ताकि इसका जो जौहर, इसका जो नमक है वो राख में से निकल के पानी के अंदर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, पानी के अंदर जब मिल जाएगा उसको आपने 3 दिन बाद आपने, या 5 दिन बाद या 3 दिन बाद आपने ऊपर का पानी जो है वो निथार लेना है। पानी निथारने के बाद आपने क्या करना है, पानी को मुकत्तर करना है। मुकत्तर करने का तरीका खैर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं और बाकी मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कैसे मुकत्तर किया जाता है, पानी को साफ़ किया जाता है। आपने क्या करना है, पानी निकालने के बाद आपने क्या करना है, उस पानी को किसी घड़े या बर्तन के अंदर रख देना, उस घड़े या बर्तन के अंदर एक सुराख कर लेना है। सुराख के अंदर आपने कोटन लगा देनी, उस सुराख के अंदर आपने कोटन लगा देनी। कोटन लगाने के बाद उस कोटन के अंदर से छन छन के पानी जो है मुकत्तर होकर के साफ पानी आपका दूसरे बर्तन में गिरता रहेगा, बिल्कुल एकदम वाइट साफ़ सुथरा पानी आपको मिलेगा। जब वो आप राख भिगो देंगे, भिगोने के बाद आपने 3 दिन बाद या 5 दिन बाद आपने ऊपर का पानी निथार करके एक घड़े के अंदर रख के
उसका पानी के घड़े के अंदर सुराख करके उसमें आपने कोटन लगा देनी है। रुई कोटन लगाने के बाद आपने वो पानी टपक टपक कर दूसरे नीचे वाले बर्तन में गिरता रहेगा, तो जो गंध होगी वो ऊपर बैठ जाएगी, ऊपर रह जाएगी घड़े के अंदर, जो पानी है वो साफ़ हो जाएगा। जब पानी निकलना बंद हो जाए दोबारा आपने कोटन, वो पानी जो है कोटन लगा देनी, कोटन लगाने के बाद दोबारा कोटन लगा दें ताकि पानी साफ़ अच्छे से हो जाए। जब सारा पानी साफ़ हो जाए आपने फिर किसी लोहे की कढ़ाई के अंदर डाल करके उसको धीमी आंच में पकाना है। धीमी धीरे धीरे पकाएंगे फिर आपका जो पानी वो फूकता जाएगा, फूकने के बाद नीचे जो आपको मिलेगा वो सूखा वो जो है जोहर मिलेगा यानी नमक मिलेगा, उसको आपने निकाल के अपने जिस दवाई में आपको कोई फॉर्मूला आपके पास हो या किसी दवाई में आपको इस्तेमाल करना है, जिसमें आपने नुस्खा आपके पास हो या कोई हकीम भाई कोई बना रहा है तो उसको आपने इस्तेमाल करके रख इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी दवाई में। अब वो किस जड़ी बूटी की डोज़ कितनी है या किस में इस्तेमाल की जाती है, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो मैं कभी वीडियो में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको नमक जड़ी बूटी के अंदर से नमक निकालने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। अब उसको आपने निकाल कढ़ाई के अंदर से उतार करके आपने किसी टाइट वाले जार या बर्तन, कांच की बर्तन में रख लेना है, क्योंकि अगर आप खुला रखेंगे तो पानी बन जाएगा, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। तो उसको आप किसी कांच के बर्तन के अंदर रख देना, रखने के बाद आपने किसी भी दवाई में अपने अच्छा टाइट करके रखना है। ये आपका जोर तैयार है। अब किस दवाई में कैसे यूज़ करना है वो आप किस चीज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं, किस चीज़ में यूज़ करना है वो आप देख लीजिएगा। बाकी इसके फ़ायदे क्या है, किस जड़ी बूटी को मैं कभी बताऊँगा। ये मैं 40 जड़ी बूटी के आसपास जो है जोर निकाल रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपको इसकी जानकारी दे दूँ। बड़े ही इसकी डोज़ कम हो जाती है और रिज़ल्ट इसका फास्ट होता है, ये ख़ास बात है। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आने वाली वीडियो कभी मैं कभी मौका लगेगा अलग से, कभी भी इसके बाद या उससे अगली या दो चार वीडियो बाद या एक आध महीने बाद 15 दिन बाद जब भी मौका लगेगा मैं कोशिश करूँगा फिर आपको कुछ जड़ी बूटियों का जोहर के फ़ायदे बताऊंगा, अलग अलग जड़ी बूटियों का नमक निकाल करके उसको कैसे इस्तेमाल करना है, किस किस बीमारी में काम आता है वो कभी मैं आपको बताऊंगा। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और दुआ में याद रखना। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। देखिए दोस्तों, ये मैंने जो है वो जड़ी बूटियों को जला करके राख भिगोई थी, और ये अभी इसको लगभग 3-4 दिन हो गए हैं। इसके अंदर देखिए ये राख है, ये सारी राख मैंने भिगो दी। इसका जो राख का जो पानी का जो जड़ी बूटियों का जो असर है वो पानी के अंदर आ गया है। अब पानी को हमें ऊपर से पानी को निथार करके लोहे की कढ़ाई में आपने भिगोना है, पानी को ऊपर से निथार करके फिर इसको हमने मुकत्तर करना है। मुकत्तर करने का भी तरीका हम आपको बताएंगे। ये पानी देखो कितना गादला आपको दिखाई दे रहा है, और लेकिन ये मुकत्तर होने के बाद ऐसा साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल पानी साफ़ हो जाएगा। मुकत्तर करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी जड़ी बूटी का पानी आपको मुकत्तर करना हो तो वो तरीका मैं आपको अब बताऊँगा। ये मैंने 3-4 दिन हो गए इसको राख को भिगोए हुए। 1 किलो अगर राख है तो 4 किलो, 4 से 5 किलो पानी डाल सकते हैं आप, उसमें 6 किलो भी डाल सकते हैं। तो 1 किलो के हिसाब से अगर 1 किलो राख है आपके पास जड़ी बूटियों की, तो आप 4 से 6 किलो पानी डाल सकते हैं। 3 दिन इसको भिगोना है, 3 दिन में, और इसको हर 2-3 घंटे 6 घंटे बाद इसको हलाते रहना, हलाना पड़ता है ताकि इसका जो राख के जो असरात, इसके जो जड़ी बूटियों का जो असरात है वो पानी के अंदर आ जाए। फिर इसको हम पकाएंगे, इसको पहले साफ़ करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पानी जो है राख जो है वो नीचे बैठ गई सारी, और पानी जो है वो ऊपर आ गया है। अब इसका पानी निथारा जाएगा, इसको पहले थोड़ा सा होर रलाएंगे। देखिए ये राख है, ये इसको रला करके इसके बाद फिर ये सारी राख जो है वो नीचे बैठ जाएगी।
उसके ऊपर से फिर पानी निथार लेंगे, पानी को पकाएंगे, पानी को मुकद्दर करके मुकद्दर करके बिल्कुल साफ पानी हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों ये पानी मुकद्दर करने का तरीका, ये सारा पानी जो है इसमें से एक कॉटन की बत्ती बना के इसमें पानी में डाल करके देखिए सारी राख जो है वो नीचे बैठ गई और पानी जो है वो साफ़ हो करके देखिए बिल्कुल शुद्ध एकदम साफ पानी। ये लाल कलर का पानी है क्योंकि इसमें काफ़ी जड़ी बूटी है, तो कुछ जड़ी बूटियाँ लाल भी होती हैं, उनका कलर लाल भी होता है, तो उस वजह से जो है ना लाल कलर हुआ। लेकिन कुछ था जो है उसका इसका जो सॉरी जोहर जो है नमक जो निकलेगा वो हल्का वाइट निकलेगा, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं कैसा निकला है। देखिए ये सारा जो है पानी मुकद्दर होकर के साफ़ होकर के इसमें आ गया और नीचे जो है वो राख बच गई। इसमें से जैसे इसमें ये भर गया उसमें डाल दिया मैंने इसको, ये देखिए इसको फिर दोबारा जो है क्योंकि अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हुआ दोबारा फिर मुकद्दर करना है इसको। ये जो है ना नीचे राख सारी जो उसमें डाली थी सब नीचे बैठ गई है और पानी मुकद्दर होकर के साफ होकर इसमें आ गया। ये कॉटन की बत्ती बना करके इसमें डालनी पड़ती है। देखिए मैंने इसको कल पानी के अंदर ये बत्ती डाली थी और पानी जो है वो साफ राख जो है वो सारी नीचे बैठ गई, ये राख सारी नीचे बैठ गई पानी मुकद्दर होकर के साफ होकर के, क्योंकि ये कॉटन की जो रुई है ना ये पानी को खींच करके इसमें ले आती है साफ। देखिए ये साफ पानी, अब इसको इसमें से मैं इसमें ये ऐसे जो है साफ हो जाएगा और सारा जो राख है वो सब नीचे बैठ गई। देखिए मैं आपको इसको और अच्छे से दिखाऊंगा कैसे मुकद्दर होता है पानी साफ होता है। ये देखिए कितना साफ पानी है, हल्का जो है वो लाल कलर है, हल्का लाल क्योंकि इसमें काफ़ी जड़ी बूटियां हैं तो कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। ये देखिए पानी मुकद्दर होकर के खींच करके कॉटन के द्वारा बत्ती के द्वारा सारा इसमें आ गया है, इसमें से फिर मैंने इसमें डाला है क्योंकि कई बार डालना पड़ा है ना इसमें, ये साफ हो गया है पानी, इसमें कोई गंद नहीं है, सारा गंद जो है सारा जो है सॉरी गंद कहूँगी जो राख जो है वो नीचे बैठ गई सारी और पानी। अब इसको पकाना पड़ेगा पानी को, अब इसको मैं साफ़ करूँगा और साफ़ करूँगा अच्छे से फिर इसको पकाना पड़ेगा, सारा जो है नमक निकल के नीचे बैठ जाएगा सारा पानी फूक जाएगा, वो भी मैं तरीका वो भी दिखाऊँगा आपको। देखो ये जो है मुकद्दर हो रहा है पानी साफ हो रहा है, इसके अंदर पानी है जो जड़ी बूटियों की जो राख बनाई थी उसका पानी और ये इसमें कॉटन को साफ हो रहा है।
ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है पानी, इसमें भरा हुआ था, ये इसमें कॉटन के द्वारा इसमें टपक टपक इसमें गिर रहा है। ये देखिए पानी कितना साफ़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये पहले देखा कितना मतलब गादला हो रहा था राख की वजह से, अब ये मुकद्दर होकर के कितना साफ़ हो गया है। अभी देखिए, अब ये पानी पकेगा चूल्हे पर, इसके अंदर से फिर नमक निकलेगा। देख लीजिए, ये ऐसी राज की बातें हैं, मतलब हर कोई नहीं बताएगा आपको। आप पूरा यूट्यूब छान कर देख लीजिए, ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। और एक बात और बता दूँ आपको, ये जो बेचारे कुछ लोग जंगल में रहते हैं और वहाँ पे पानी थोड़ा सा गंदा सा रहता है, मतलब रेता रेत वगैरह होता है जी, तो अगर उसको अगर वो पीने लायक है और उसको थोड़ा सा रेत से मिट्टी से साफ़ करना है, मिट्टी से पाक करना है और पहले से पीने लायक है लेकिन इसमें मिट्टी वगैरह है, तो इस तरीके से आप उसको साफ़ कर सकते हैं, मुकद्दर कर सकते हैं। ऐसे कॉटन की बत्ती बना करके उसमें डालो और इस तरीके से पानी टपक टपक करके गिरता रहेगा, रात को भरो और सुबह जो है इस्तेमाल करो। इस तरीके से आप कोई भी पानी, जैसे जड़ी बूटियों का पानी या कोई भी पानी को मुकद्दर करना हो, साफ़ करना हो। ये कलर लाल इसलिए है क्योंकि इसमें जड़ी बूटियाँ कुछ ऐसी थी जिन जड़ी बूटियों का कलर लाल था, और राख, इसका राख भिगोने के बाद फिर उसका पानी का कलर भी थोड़ा जो है लाल आता है। इस तरीके से आप पानी मुकद्दर कर सकते हैं जौहर बनाने के लिए, या जो भी आपको पानी साफ़ करना हो, मिट्टी वगैरह से पानी साफ़ करना हो, या जड़ी बूटी का आपने रस निकाला हो और उसकी उसकी गाद जो होती है, उस गाद से साफ, उस गाद को साफ़ करना हो, पानी से अलग करना हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया पानी। थोड़ा सा हो रह रहा है, अब ये पानी पकाया जाएगा, पकने के बाद ये पानी फूक जाएगा, इसके अंदर जो सत होता है, जो जौहर होता है, जो नमक होता है, वो पकने के बाद नमक रह जाएगा इसमें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मैं अभी और दिखाता हूँ आपको इसकी, अब इसको पकाया जाएगा, पकाने के बाद कैसे इसकी जो है ना नमक निकाला जाता है वो भी दिखाऊंगा आपको। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको पूरा यूट्यूब आप चेक कर लेना, आपको नहीं मिलेगी इस तरह की जानकारी। ओके दोस्तों, देखो दोस्तों ये इस तरह खींच लेता है, जिस तरह मशीन से निकालते हैं ना, मशीन खींच लेती है पानी को, ये इस तरह खींच लेता है। देखिए सारा पानी जो है खींच करके इसमें आ गया है सब, देख कितना, आपने जो शुरू में देखा था कितना मतलब गादला पानी था राख के अंदर, और अब जो है ना साफ हो गए बिल्कुल एकदम। ये देखिए इसमें एक ज़रा सा भी ज़र्रा बराबर भी आपको इसमें गाद नहीं मिलेगी आपको, और ये सारा पानी खींच करके देखिए इसमें ऐसे लगा दिया और खींच करके सारा इसके अंदर, और ये इतनी लाजवाब तरीका है ये कोई नहीं बताएगा आपको। आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर उठा कर देख लो वीडियो, अगर आपको कोई ये तरीका बता दे, इसमें आप कोई भी पानी साफ़ कर सकते हैं, जड़ी बूटी का, या फिर जंगल में अगर आप रहते हैं वहाँ पे पीने जो पानी पीने लायक है, और वो रेतला है, गादला है, और पीने चलता पानी है, पीने लायक है, लेकिन उसमें मिट्टी वगैरह रेत वगैरह है, तो उसको आप साफ़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, अगर वो पीने लायक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको नाली का पानी ठा के साफ़ करके पीना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं। अगर वो पानी पीने लायक है और
थोड़ा सा उसमें रेत वगैरह है तो उसको साफ़ करना हो तो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। देखिए कैसे सा पूरा खींच करके सारा इसमें आ गया है। ये मैंने अदरक का पानी निकाला है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। अदरक का पानी मुकत्तर कर रहा हूँ, अदरक इसमें कुचला है, कुचले को शुद्ध कर रहा हूँ, तो उसमें अदरक का पानी डाला है। अब पानी को अदरक का पानी निकाल कर रस निकाल करके उसको मुकत्तर कर रहा हूँ। बिल्कुल साफ़ पानी गिर रहा है इसमें, और गाद जो है ना, गाद देखो सारी नीचे बैठ गई, और ये कॉटन के द्वारा इसमें एक एक दो दो बूंद इसमें गिर रही है। ये देखिए सारी गाद जो है वो बैठी हुई है, ये देखिए आराम से, और साफ अदरक का रस जो है वो इसमें गिर रहा है। ये शुद्ध करना है मुझे कुचला, तो इसमें डाला है। देखिए आपने देखा था वो जो शुरू में कितना मतलब गादला पानी था और राख का, और वो अब जो है ना साफ होने के बाद, मुकत्तर होने के बाद बिल्कुल साफ हो गया है, एकदम सुर्खी कलर। क्योंकि कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी थी जिनका जो रंग है वो कलर है, बक्कल वगैरह हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं तो उनका जो कलर है वो लाल था, इसलिए थोड़ा सा लाल कलर आ रहा है। देखिए आपने जो शुरू में देखा था कितना मतलब गादला सा था, उसमें राख वगैरह पड़ी हुई थी, और अब जो है ना मुकत्तर होने के बाद, साफ़ होने के बाद कितना साफ पानी हो गया है। अब इसको पकाया जा रहा है, पकाने के बाद ये पानी सूख जाएगा, इसके अंदर जो जौहर है, जो नमक है वो नीचे रह जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। पानी देखिए कितना साफ़ हो गया है, क्योंकि लाल कलर थोड़ा सा इसलिए, इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ का कलर ऐसा होता है कि उनके जो कुछ पौधे जड़ी बूटियों का जो कलर है वो लाल सुर्ख होता है, इसलिए थोड़ा सा कलर लाल हो गया ऐसे। ओके देखिए दोस्तों, ये तैयार होने वाला है। देखिए ये नमक है, जड़ी बूटी का नमक है, ये तैयार, ये कन्नी पर लग रहा है, ये भी नमक है। अभी मैंने सुबह 10:30 बजे शुरू किया था और 3 बज रहे हैं, 3:15 सभी 3 से ज़्यादा टाइम हो गया है। दो सुबह से शुरू किया था, लगभग 6 घंटे हो चुके हैं इसके, और अभी इसमें आधा पौन घंटा लगभग लग जाएगा, वो यानी 6-7 घंटे में तैयार हो जाएगा ये। और जैसे ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगता है, कम है तो कम टाइम लगता है। तो ये तैयार, देखिए ये जड़ी बूटियों का नमक है, ये पानी सब फूक चुका है, अब इसमें नमक तैयार होने वाला है, सब जड़ी बूटियों का नमक तैयार हो जाएगा जितनी मैंने इसमें डाली थी। देखिए ये कन्नी पर लग रहा है, ये नमक है, ये नमक है, ये तैयार हो जाएगा, वो भी मैं भी दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, टाइम तो लगता है, मेहनत भी लगती है, पर चीज़ बन जाती है ओरिजिनल। मेरा ये मकसद था कि आपको मैं जड़ी बूटियों का नमक कैसे निकाला जाता है, जड़ी बूटियों का पानी को मुकत्तर कैसे किया जाता है, साफ़ कैसे किया जाता है, पानी जड़ी बूटी का रस निकाल करके उसको मुकत्तर कैसे किया जाता है, सत्र जौहर निकालने के लिए नमक निकालने के पानी को कैसे मुकत्तर किया जाता है, वो सब मैंने दिखाया आपको, और ये पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा, आप पूरे चैनल पर देख लीजिएगा, किसी के चैनल पर आपको ऐसी जानकारी नहीं मिलेगी आपको। तो ठीक है दोस्तों,
तैयार हो जाएगा वह भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ आपको, जब ये तैयार हो जाए ना आपका किसी भी जड़ी बूटी का, आप नमक निकाल ले हो, जौहर निकाल ले हो यानी नमक निकाल ले हो, तो जब ये तैयार हो जाए तो आपने इसको खुले में नहीं रखना, आपने किसी जार में किसी कांच की शीशी में इसको अच्छे से ढक्कन खूब टाइट करके लगाना, क्योंकि अगर ये खुला रखेंगे हवा लगेगी तो पानी बन जाएगा इसका, याद रखना ठीक है। इसको किसी अच्छी किसी बोतल वगैरह में अच्छे से पैक करके रखना है ताकि इसको हवा ना लगे, अगर हवा लगेगी तो इसका पानी बन जाएगा, याद रखना आप, इसी ध्यान रखना आपने। अब ये तैयार होने वाला है, ये है लगभग 15 से 18-20 किलो जड़ी बूटी आती है लगभग, उसमें से ये निकला है, देखो कितनी मेहनत लगती है। अच्छा ये हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन है, अच्छा जो तिरफला होता है तिरफले में से भी थोड़ा वाइट निकलता है सफ़ेद, ये ऐसा कलर निकलता है सफ़ेद वाइट, और जो ब्राह्मी होती है ब्राह्मी के अंदर भी सफ़ेद ही निकलता है। कुछ जड़ी बूटी ऐसी होती है जिनका थोड़ा कलर डिफरेंस होता है, सुर्ख कलर होता है, लाल होता है तो थोड़ा ब्राउन हो जाता है। अभी देख लीजिए ये 15 से 18-20 किलो जड़ी बूटी आती है, उसमें से ये निकला है, अब आप ही देख लीजिए कितना वजन है इसका, लगभग होना चाहिए 250 ग्राम के आसपास होना चाहिए इसका वजन। किसी भी जड़ी बूटी का आप नमक इस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये पहले जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की, उसके बाद उनको जलाया, राख बनाई, राख बनाने के बाद फिर भिगोया, कई दिन तक भिगोने के बाद फिर उसको पानी को साफ किया, मुकत्तर किया, उसके बाद फिर यो पकाना शुरू किया। टाइम तो लग ही जाता है लेकिन इसके फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा कभी अलग अलग जड़ी बूटी के हिसाब से, वो कौन सी जड़ी बूटी का नमक किस काम आता है वो सब अलग अलग मैं कभी बताऊंगा आपको, कुछ जड़ी बूटियों के बारे में किस कौन सी जड़ी बूटी का नमक किस काम आता है, फिलहाल इतना ही। इससे एक बात का और ध्यान रखना आप लोगों ने, ये बहुत हल्की आंच पर पकाना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये बढ़िया नहीं बनेगा, ठीक है ना, बहुत हल्की आँच पर पकाना है ताकि उबाल ना आए, हल्का हल्का पकता रहे, बस उबाल ना आए इसमें, हल्की आँच रखेंगे, धीमी आँच पर इसको पानी को पकाना है, तब जाके ये अच्छा जो है बढ़िया नमक निकलेगा अच्छी क्वालिटी का, ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आप लोगों। ये उन लोगों के लिए मैंने बताया जो हकीम लोग हैं, वेद लोग हैं, जो जड़ी बूटियों को जो दवाइयों का काम करते हैं, जिनको किसी जड़ी बूटी के नमक की ज़रूरत पड़ती है दवाइयों में, तो उनके लिए मैंने बताया हूँ, वो इसको आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको अलग से कोई किसी जड़ी बूटी की वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं बना के आपको डाल दूँगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है दोस्तों।